रहुई प्रखंड के उत्तरनावा गांव में 12 फरवरी को बोरसी तापते समय एक महिला की आग से झुलसकर मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय मुखिया सरयू प्रसाद सिन्हा ने परिजनों की मदद की और पहले 20,000 रुपए का चेक दिलवाया। अब 7 महीने बाद मृतका के आश्रितों को 4,00,000 रुपए का सरकारी लाभ खाते में ट्रांसफर किया गया है। परिजनों ने मुखिया का आभार व्यक्त किया, कहा कि इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। ये हमारे गांव के शैलेंद्र पासवान हैं, इनकी पत्नी सरिता देवी का आग में जलकर निधन 12/2/2024 को हो गया था। ये बेचारे इतना लाचार थे कि इनको ये लाश को रंथी पर सजा कर करके और चंदा कर करके जलाने के लिए चंदा कर रहे थे। उसी क्रम में हमको मालूम हुआ कि ये आग से जले हैं, तो ये प्राकृतिक आपदा में आता है, इसलिए हम वहाँ पर पहुँच कर और लाश को रंथी पर से उतरवाए और थाना प्रभारी को बुला कर करके इनको जांच करवाए। जांच करवाने के बाद में वो थाना प्रभारी अपना प्रक्रिया कर करके ये इसको इनको ले गए पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम कराने के बाद में इनको पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपया भी हम लग भिड़ करके दिलवाए और आज इनको 4,00,000 रुपये का भी इनको इनके खाता में ट्रांसफर ये अंचल कार्यालय में आकर के करवाए। पूरा कोई तरह की जानकारी नहीं था। मुखिया जी है जो कि है जो कि रुकवा पैसा तहसील के उसको जलाने के लिए ले जा रहे करवा कर देते हैं, लेकिन हमको इस सब मालूम कुछ नहीं था। फिर जा कर के है जो कि इनका पता हुआ तो मुखिया जी है जो कि जा कर के रुकवा कर करके और कहीं नहीं इसमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा और 4,00,000 रुपया मिलेगा सरकारी सेवा। अच्छा तो मिल गया। हाँ मिल गया पूरे। कितना मिला टोटल? कितना मिला? 4,00,000। 4,20,000। तो क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी को, किस तरह से धन्यवाद दीजिएगा मुखिया जी को? है जो कि कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे।